ग्रुप डी का रिटर्न एग्जाम देकर कट ऑफ क्लियर कर चुके हो ना, बारी थी पीईटी की, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जिसके लिए भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दिया है उसका मंथ कि कब से होने वाला है पीईटी, यानी जितने भी बच्चे ग्रुप डी में कट ऑफ क्लियर करने के बाद पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आ चुकी है बेहद खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी न्यू दिल्ली, डेटेड 30 नवंबर 2022 को। अब इसमें बताया ये गया है, इसमें कुछ जानकारी एनटीपीसी के लिए भी दी है लेकिन ग्रुप डी वाले के लिए भी दी है। ये जो नंबर दिया है इसको आप देख लीजिएगा और ये आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा और आप इसको देखकर आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ये बताया गया, एक्सपेंडिंग एक्सपीडाइटिंग अपॉइंटमेंट बाय द आरआरबी एंड आरआरसी, जितनी भी आरआरबी और आरआरसी की ज्वाइनिंग होने के लिए बात थी, यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, मोस्टली यही दोनों थे, उनकी ज्वाइनिंग के लिए क्या आगे कार्रवाई हो रही है, जैसे ग्रुप डी के लिए पीटी कब होने वाला है, ये सारी जानकारी इस नोटिस में आपको बताई गई है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि देखिए क्या क्या चीजें यहां पर बताई गई। योर काइंड नोटिस इज इनवाइटेड टू सक्सेसफुली कंडक्टेड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर द वैकेंसी ऑफ 35,281 वैकेंसी नोटिफाइड थ्रू द, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर था CEN-01/2019 एनटीपीसी के लिए। उसके बाद आगे जब बढ़ोगे तो इसमें यह लिखा हुआ है, रिजल्ट फॉर विच आर बींग डिक्लेयर लेवल वाइज, जिसका लेवल वाइज एनटीपीसी की बात करें तो उसमें लेवल वाइज रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 6, सबसे पहले लेवल 6 का आया था, एंड डाउन टू लेवल 2, यानी सबसे बाद में लेवल 2 का आया था। रिसेंटली अ नोटिस हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबीज इंडिकेटिंग द प्रपोज टाइम शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एनटीपीसी के लेवल 6 से लेकर लेवल 2, जिसका रिजल्ट सबसे पहले आया था और जिसका रिजल्ट लेवल 2 का सबसे बाद में आया, उनके डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो चीजें हैं वो आपको यहां पे बताई जा रही हैं कि ये कब से होने की संभावना है। जैसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तब बच्चों ने कहा था इनको तो सब पहले ही पता हो जाता है, तो जो टीचर्स होते हैं ना उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक होता है और उनको चीजें पहले पता होती हैं, कुछ उसमें सत्य होता है कुछ उसमें जो है चीजें अकॉर्डिंग जो बताते हैं टीचर वैसे नहीं हो पाती है, कभी भी टाइम का आगे पीछे हो ही जाता है, ठीक। लेकिन जब कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक, कोई भी चैनल जो लगातार आपके लिए काम कर रहा है वो कोई चीज बताए तो उसको ध्यान से सुनो और उस पर नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, ठीक है। फॉर लेवल 1 वैकेंसीज नोटिफाइड थ्रू द, ये आपका ग्रुप डी का एडवर्टीजमेंट नंबर है CEN-01/2019 वैकेंसी आई थी। CBT has been successfully conducted and the short listing for PET is expected to be declared by RRB in December 2022. जितने भी बच्चे ग्रुप डी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि PET की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए खुशखबरी है और बहुत गजब की खुशखबरी है भैया कि ये है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसका था ग्रुप डी का, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। सभी लोग जानते हो, बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो बने, बहुत सारे दुनिया भर के वीडियो बने, एंड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द पीईटी, जो बच्चे पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका पीईटी डिक्लेयर किया गया है आरआरबी के द्वारा दिसंबर 2022 में, यानी 2022 से आपका पीईटी शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में एक बार आपको बता रखा था कि दिसंबर से पीटी शुरू होगा, जनवरी फरवरी में डीवी होगा, मार्च अप्रैल में उसके बाद मेडिकल होगा और अप्रैल मई तक आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होगा वो पकड़ा दिया जाएगा। अब ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होगा यानी जिसको आप ज्वाइनिंग लेटर कहते हो वो किस माध्यम से आपको पकड़ाया जाएगा, ये जो पीटी की डेट है, जो पीटी का मंथ है, इसमें कब से शुरू हो रहा है, इस पर अगर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं और इस पर बात करता हूं। बहुत एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए जीवन का सवाल है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आगे बोलता है, बीइंग डन बाय आरआरबीज एंड आरआरसी विल कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट बीइंग गिवन अ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द रोजगार मेला फंक्शन एवरी मंथ। रोजगार मेला के तहत जो कि अब होने वाला है, प्रत्येक महीने रोजगार मेला लगेगा और उस रोजगार मेले में आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा 101%। 2024 में चुनाव भी तो है, ठीक है, गरीब की थाली में पुलाव आए तो समझो चुनाव आए। आगे बात करते हैं, इसमें कहता है आईएफ दिया जाएगा और उसके बाद इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट टारगेट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 सब्सिक्वेंट मंथ आर मेट देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर अ जोनल रेलवे टू अंडरटेक द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑन द वॉर फुटिंग।
जितने भी आरआरबीज हैं जिसमें जो वैकेंसी भरी जानी है उसको आगे आने वाले मंथ में तेजी से भरा जाएगा, क्योंकि रेलवे को एक्चुअल में जरूरत है इन चीजों की। तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि डेट पीटी की क्या होगी, ये आप आगे पढ़ोगे समझोगे। मंथ आपको पता चल गया कि दिसंबर 2022 से 2022 दिसंबर जो कि चल रहा है, तारीख आज 3 है, इससे आपका पीटी शुरू हो जाना है। आगे बात करते हैं फॉर लेवल 6, ये तो एनटीपीसी के लिए है लेवल 6, इसको छोड़ देते हैं, ये एनटीपीसी वाली एक चीज है, उसको भी आपको देखना होगा कि इसका मेडिकल कब होगा, डीबी कब होगा, उसकी भी स्टार्टिंग दिसंबर से है और ये फुल फ्लैश में जनवरी तक आ जाएगा। अब देखिए जरा यहां पर बात को समझिएगा, कहता है रोजगार मेला के तहत आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, ये बात यहां पर दोहरा दी गई, कह रहा है इट इज रिक्वेस्टेड दैट द लिस्ट फॉर सच कैंडिडेट बी मेड अवेलेबल फॉर द 10th ऑफ दिसंबर 2022। 10 दिसंबर 2022 से आपके पास ये सूचनाएं आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास ईमेल मैसेजेस सब कुछ आने शुरू हो जाएंगे जो बच्चे पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होने वाला है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो जाएगी, तो जितने भी बच्चे जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो पीटी की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा एग्रेसिव मोड पर ले आओ। एग्रेसिव मोड पर आने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाके ठोंक दीजिए, एग्रेसिव मोड पर आने का मतलब है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा और फोर्स दीजिए, उसको थोड़ा और पुश करिए, ठीक है। आगे कह रहा है सिमिलर एक्सरसाइज टू बी डन फॉर द दोज इंपैनल्ड फॉर द लोअर लेवल इवेंट इन जनवरी 2023 एंड द सबसीक्वेंट मंथ। आगे की जो चीजें हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, साफ साफ ये कह रहा है कि जनवरी 2023 और उसके आगे के जो सबसीक्वेंट मंथ होंगे, आने वाले महीने होंगे, उसमें ये आपको ये कराया जाएगा। तो आप भी अगर रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी में आप डीवी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, डीवी की क्या तैयारी, मेडिकल की जो तैयारी होती है अपने आप को फिट रखने के लिए बात हो रही थी, तो तैयार हो जाइए दिसंबर 10 से ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए सारी चीजें आ गई। तो ये बेहद बड़ी खुशखबरी है, तैयारी को थोड़ा बूस्टअप दीजिए, अपने आप को फिट रखना शुरू करिए ताकि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू।